61 ध्यान रखने योग्य काम की बातें। यह किचन टिप्स जो आप कहीं नहीं देखे और सुने होंगे। 1. साबुन की जगह चेहरे पर दही में बेसन मिलाकर लगाएं, इससे चेहरे का रंग बहुत जल्दी साफ और गोरा हो जाता है। इसे 5 मिनट लगाकर फिर चेहरा धो लें। साबुन और फेस वॉश हमारी त्वचा को रूखा और बेजान कर देता है, जिससे स्किन पर झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है। 2. प्याज के रस को नारियल के तेल में मिक्स करके बाल धोने से 1 घंटा पहले लगा ले। ऐसा करने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बाल काले, घने और मुलायम हो जाते हैं। 3. प्याज के साथ गुड़ खाने से दिल स्वस्थ रहता है। 4. दांतों की समस्या या पीलापन खत्म करना हो तो मूली के छोटे छोटे टुकड़े में नींबू का रस मिलाकर दांतों पर रगड़े या कुछ देर तक चबाते रहे और थूक दे, इस तरह से दांतों का पीलापन कम होगा। 5. धूप में दिन भर निकलने की वजह से चेहरे का रंग सांवला पड़ गया हो तो अंगूर का रस चेहरे पर लगाएं, इससे चेहरे का रंग पहले जैसा हो जाएगा। 6. एलोवेरा में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। 7. खाना खाने के बाद 1 बड़ी इलायची खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। 8. सुबह के समय दही खाने से शरीर में खून बनता है। 9. अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। 10. ठंडा पानी पीने के बाद चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। 11. खाना खाने के तुरंत बाद नहाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। 12. सलाद में बंद गोभी के पत्तों को चबाकर खाने से पेशाब खुलकर आता है। 13. अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ रहा हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। 14. जिनके सिर पर बाल कम हो वो रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सिर पर लगाए, इससे धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएंगे। 15. चाय के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुँच सकता है। 16. दूध और केला एक साथ सेवन करने से पेट खराब हो सकता है। 17. जब खांसी बढ़ जाए तो मीठी चीज का इस्तेमाल ना करना, वरना गला और बैठ जाएगा और बोलना मुश्किल हो जाएगा। 18. बकरी का दूध पीने से बाल लंबे होते हैं। 19. सुबह के समय बिना ब्रश किए सबसे पहले 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। 20. आप दिन में जब खाना खाएं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो खाने के साथ पानी न पिएं और न ही तुरंत खाना खाने के बाद पानी पिएं। 21. आप पानी खाना खाने से कम 40 मिनट पहले 1 गिलास पानी पिएं, इसके बाद पानी न पिएं, फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, और वो भी गुनगुना। 22. दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी अवश्य पिएं। 23. पानी जब भी पिए हमेशा बैठकर ही पिए। 24. फ्रीज में रखा हुआ ज्यादा ठंडा पानी न पिए, क्योंकि इसे दांत कमजोर हो सकते हैं। 25. गर्मी में धूप से आकर तत्काल हाथ पैर या मुंह नहीं धोना चाहिए और नहीं नहाना चाहिए। 26. जिन्हें कब्ज रहती है उन्हें पके पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। 27. चेहरे पर निखार लाने के लिए तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अब इसे पीसकर इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लें। कुछ ही दिनों तक लगातार ऐसा करने से चेहरे पर निखार आ जाएगा। 28. स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। नींद इतनी कम भी न हो शरीर थका रहे, और इतनी अधिक भी न हो कि आलस्य आने लगे और मोटापे का कारण बने। आपको 6 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन लेनी चाहिए। 29. थोड़ी देर कान में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। 30. पके हुए अनार का रस गर्म करके बच्चों को पिलाने से बच्चों की उल्टी रुक जाती है। 31. किडनी स्टोन से दूर रहने के लिए नियमित रूप से तरबूज का सेवन करें। 32. सांस फूलने की समस्या में दही की कड़ी में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक खाएं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। 33. सुबह का नाश्ता पेट भर कर करें, दोपहर का खाना सुबह के खाने से हल्का करें और रात का खाना भूख रख कर करें। 34. रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले करें। 35. दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए बाईं करवट जरूर लेटे।
36. रात का खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम जरूर चलें. 37. अपने खाने में फाइबर की सही सही मात्रा रखें. 38. रात को ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपकी ताकत में कमी आ जाएगी. 39. रोटी खाकर चलने से आपका दिल सेहतमंद रहता है. 40. रोजाना बैठकर झाड़ू पोछा करने से औरतों में कभी भी कमर दर्द की समस्या नहीं होगी, साथ ही पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद मिलती है. 41. यदि गर्मी की वजह से बुखार आ गया हो तो लौकी के छिलके पीसकर दोनों पैरों पर मलने से बुखार जल्दी उतर जाता है. 42. रात के समय सोने से पहले दांत जरूर साफ करें और एक गिलास पानी पीकर सोएं. 43. चीनी और नमक का सेवन कम करें. चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का प्रयोग करने की कोशिश करें. 44. मैदे से बनी चीजों से परहेज ही करें. यदि नहीं कर सकते तो आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच सकता है. 45. बाजार से खाने की आदत को कम करें. अगर आपका कुछ खाने का दिल है तो कोशिश करें कि घर पर ही बनाकर खाएं. 46. चाय में सौंफ डालकर पी लिया करो. कब्ज कैसी भी हो खत्म हो जाएगी. 47. खाना खाने के बाद सौंफ गुड़ खाने की आदत डालें. इससे खाना आसानी से पचने में मदद मिलती है. 48. प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें. कोशिश करें सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करें. नियमित व्यायाम से शरीर की क्षमता बढ़ती है और शरीर कई रोगों से मुक्त रहता है. 49. सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की 20 से 30 मिनट तक मालिश अवश्य करें. 50. अपने खाने में फल और सब्जियों को जरूर शामिल करें. 51. आपका भोजन हल्का गर्म होना चाहिए. 52. ज्यादा से ज्यादा मीठी नीम करी पत्ती अपने सब्जियों में डालें, सभी का स्वास्थ्य ठीक करेगा. 53. ज्यादा से ज्यादा चीजें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं. आयरन की कमी किसी को नहीं होगी. 54. भोजन का समय निश्चित करें. पेट ठीक रहेगा. भोजन के बीच बात ना करें. भोजन ज्यादा पोषण देगा. 55. नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें. पोषक विटामिन और फाइबर मिलेंगे. 56. सुबह के खाने के साथ देशी गाय के दूध का बना ताजा दही लें. पेट ठीक रहेगा. 57. अदरक अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं. गैस और शरीर के दर्द कम होंगे. 58. रस निकले नींबू के चौथाई टुकड़े में जरा सी हल्दी नमक और फिटकरी रखकर दांत मलने से दांतों का कोई भी रोग नहीं रहेगा. 59. रात का भिगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबाकर वही पानी पिएं. एसिडिटी खत्म हो जाएगी. 60. रोटी बनाने के बाद तुरंत गर्म तवे या चूल्हे को साफ ना करें बल्कि थोड़ा ठंडा होने के बाद ही साफ करें. 61. यदि बच्चों को भूख नहीं लगती हो तो अमरूद पर सेंधा नमक लगाकर खिलाया करें. इससे बच्चों की भूख जल्दी बढ़ने नहीं लगती है. इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है. किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही यह नियम को अपनाएं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको मेरी यह टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. और ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. साथ ही बॉल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए.